पीछे के गार्डन में लगाना है खीरे, खीरे के बीज लगाने हैं। ये देखिए मैंने खीरे के बीज मंगवा रखे हैं, तो मैंने मिट्टी को अच्छे से नरम करना है मुझको। और ये देखिए नज़ारे की मदद से मैं मिट्टी को नरम किए ले रही हूँ, क्योंकि इस समय हवा चलती है तो जिसकी वजह से मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है। तो अच्छी तरह से मैं इसको तर के करके उसके बाद में मैं इसमें खीरे के बीज लगाऊंगी, नहीं तो फिर वैसे तो खीरे के बीज 8 दिन पहले ही लगा देने चाहिए थे मुझको, अभी लेट हो गया है। लेकिन फिर भी मैं क्यारी नहीं बनी हुई थी तो क्यारी बनवाया है, और उसके बाद में मिट्टी को बिल्कुल साफ़ कर लिया है। हजारे की मदद से मैंने इसको पानी दे दिया है, उसके बाद में मैं ये देखिए हमारे पास खीरे के बीज हैं, अभी मैं इनको ऐसे ही लगाए दे रही हूँ। उसके बाद में जब ये कुछ ज़्यादा घने हमें मालूम देंगे तो मैं इनको अलग कर दूंगी, लेकिन अभी मैं एक एक बीज को लगाए दे रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि सारे बीज जम ही आए, कुछ जमेंगे कुछ नहीं जमेंगे, तो इसलिए मैं इनको भी, जैसे ये देखिए ये बीज बिल्कुल आधा कटा हुआ ख़राब बीज है, तो कुछ जमेंगे कुछ नहीं जमेंगे, इसलिए मैं एक एक करके सभी को दूर दूर रोपे दे रही हूँ। मिट्टी कुछ ज़्यादा गीली हो गई है, इसलिए बीजों को लगा दिया है। एक दो दिन के बाद मैं इसको, ये मिट्टी ज़्यादा सूख जाएगी तो फिर पानी लगा दूंगी, क्योंकि इतने समय हवा चलती है तो बहुत जल्दी मिट्टी सूख जाती है। तो पीछे के गार्डन में मैंने आज खीरे के बीज बो दिए हैं। आप लोग भी ये गार्डनिंग करते हैं तो 2-4 बीज खीरे के ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये सीजनेबल फल होता है। गर्मी में खाने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों ठीक है, आज मैंने एक बिल्कुल छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है। वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।